अम्मी इस तरह से ना यूं आके इस तरह चम्मच नेक्स्ट टाइम, ठीक है? उस पर ऐसे दो दफा, ये तरीका है, ऐसे फिर ये ऐसे। चले बताएं क्या ऐड करना है। बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फूड विद साद राजा। कर अस्सलाम वालेकुम जी। लें फिर, आप बाद में गिला करती हैं कि तू मेरी पाक पाक बंद होगी तो फिर मैं बताऊंगी। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, नहीं मेरा, थोड़ी इज्जत है हमारी भी माशरे में। अच्छा नहीं अच्छा चलो। नहीं, शुगर मेरा लगा रहना चाहिए। लोग बस इन्जॉय किया कि अच्छी बिस्ती हुई है माशाल्लाह, हमारी भी ऐसी होती है। अच्छा, तो आज हमें क्या बना रहे हैं, हम मुगलाई चिकन वाइट मुगलाई वाला। चिकन वाइट वाला, वाइट ग्रेवी वाला। ठीक हो गया, तो सबसे पहले चिकन घी डालो। की मैरिनेशन का बता हाँ दूँ? बता दो। चलिए पहले घी डालते हैं और प्याज डालते हैं, फिर इनको बताते हैं हमने मैरिनेट कैसे किया है, ठीक है ना? ये हमारे पास जी 200 ग्राम घी है, घी हम इसमें ऐड कर देंगे। चलो, अच्छा जी, जब तक हमारा घी जो है वो गर्म हो रहा है, हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया, आपको क्लोज़अप आप इसका नज़र आ जाएगा। अच्छा, मैरिनेशन करते हुए हमने इसमें जो चीज़ें ऐड की हैं वो हमने डाला है जी 1 कप दही, लेमन जूस इसमें ऐड किया, मी कितना, 2 टेबल स्पून, हाँ 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया है, हसबे जायका नमक ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्च ऐड की है, पाउडर नहीं कुटी हुई काली मिर्च, और इसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है ये। अब आ जाते हैं इसके मसाले के ऊपर, तो जो सीक्रेट मसाला है आपको वो भी बता देते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया जी 1 टेबल स्पून हमारे पास सूखा धनिया है, 1 टीस्पून हमारे पास सौंफ है, ये 3 हमारे पास लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून हमारे पास जीरा है, 8-10 लौंग हैं, जायफल का 1 पीस है, जावित्री के कुछ पीस हैं, 2 दालचीनी के पीस हैं, 2 काली इलायची हैं, और 5 से 6 हमारे पास हैं हरी इलायची, और उसका हमने बना लिया जनाब पाउडर। तो ये पाउडर हम आगे जाके यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने कितना यूज़ करना है। तो दोनों चीज़ें हम आपको क्लियर कर दी हैं, पहले तो चिकन को क्या मैरिनेट किया है और दूसरा हमने मसाला क्या बनाया है। तीसरा अम्मी आपने बनाई है काजू की पेस्ट जो जो जी, पाउडर बनाना है ना, वो पाउडर नहीं बनाना, दादड़ करना है, वो ठीक है? उनको पिक्चर में मैंने दिखा दिया। हाँ हाँ जी दादड़ करना है। और जो पेस्ट है जी वो है 10-12 वो बादाम ये, काजू, अच्छा काजू की जो पेस्ट है उसमें क्या है जी, 10-12 बादाम, 10-12 काजू 10-12 काजू और 3 हरी मिर्चें। और 3 हरी मिर्चें। तेज वाली थी वो मेरे बिल्कुल, ये पास। भी आपको वीडियो में नज़र आ गई होगी पेस्ट, और इसमें आपने ये 3 चीज़ें डाली हैं, इसकी आपने पेस्ट बना लेनी है। तो तीनों चीज़ें हमने आपको बता दी, चिकन मैरिनेशन, मसाला और पेस्ट। और ये प्याज, प्याज ये 2 मीडियम प्याज हैं जो हमने कटे हुए हैं। प्याज को ब्राउन कर लेते हैं, चूल्हा में काफ़ी आहिस्ता नहीं है, देखें है कर दो प्लीज। ना। तो ये अम्मी रेसिपी आपने क्यों सोचा बनाने के लिए? इसलिए सोचा कि सारियां रेसिपियां लाल लाल ही होंदियां सन, अज चिट्टी कर चिट्टी लेनी। कर देनी है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी रेसिपीज लेके आएंगे, और मीठा भी उसमें एक होगा, और लैम्ब की भी एक डिश आपके साथ बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। हो सकता है रोश आपको बनाना सिखाएं हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में। प्याज को हम ब्राउन नहीं, करेंगे हम, एक आपके लिए ना, मैं इनके लिए ना इन्हें ना दिल्ली बना, सानू ना देना, इन्हें नहीं बनाना। इनके लिए ना वो शोला होता है, वो दलिये से बनता है, मसलन दलिया मोटा होता है ना, उससे ठीक बनता है, है। बाज़ लोग चावल डालते हैं, बाज़ लोग वो दलिया डालते हैं, दलिया अच्छा होता है। जैसे हलीम होती है ना, हलीम ज़रा पतली होती है और वो ज़रा ये गाढ़ा। अरबिक है ना? कौन सा? नहीं, नहीं, शोला जो से यहाँ का नहीं है, ये पेशावर वाले लोग बहुत खाते हैं शोला। अच्छा चलें जी वो भी बनाना सिखाते हैं। प्याज को हम ब्राउन करेंगे कि ट्रांसलूशन करना है हमने? अभी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। ठीक है चलें जी, इसको करते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह ताला। नहीं, प्याज ट्रांसलूशन हो गया है, अब हम इसमें चिकन, अम्मी ये चिकन कितना था हमारे पास? ये था 1.25 किलो। 1.25 किलो चिकन में हमने सारी चीज़ें डाली थी, आपको लिखा पहले ही आ चुका होगा, मैं इसको जब एडिट करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा तब। मुगलई चिकन,
इसी में भी हम स्लो कुक होता रहेगा। हाँ भी हाँ। दही का जब पानी खुश्क होगा बाकी मसाले तब। हाँ ये दही के पानी में ना इसने गलेगा। प्याज थोड़ा सा आँखों में गया। आजकल प्याज बड़ा कौड़ा है, बरसात है ना। सही है। तो इसको कितनी देर में मज़ीद हम पकाएंगे? बस ये पानी सूख जाए। पानी सूखने तक इसे हम पकाएंगे वो टिश्यू का। ठीक है जी, इसको पानी सूखने तक पकाते हैं और उसमें 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, फिर आपको बाद में बताते हैं कि हमने कितने मिनट पकाया इसको और फिर आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह ताला। वेलकम बैक जी। 10 से 15 मिनट हमने इसको पकाया है, काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब अम्मा जी बताएंगी हम इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे। ये वाला मसाला साइड पे कीजिएगा चम्मच। ये 2.5 चम्मच टेबलस्पून हम मसाला ऐड करें जो हमने बनाया था, इसके 2.5 टेबलस्पून हम ऐड कर रहे हैं। इसमें इतनी मिर्चें नहीं है। हाँ जी, बाकी खुशबू इसमें ज़्यादा है मसालों की। आधी चम्मच ना नमक डाल। आधी चम्मच नमक डाल दो। ठीक हो गया। हाफ टेबल स्पून नहीं नहीं टीस्पून टीस्पून हाफ टी स्पून ना। हाँ ये इसमें हाफ टी स्पून तकरीबन नमक पहले डाला था बेटा। खुशबू बड़ी मज़ेदार रही है, सूखे धनिए की, सौंफ की, दालचीनी, इलायची, मुगलई। मैंने भी देखा है वो क्रीम डाल दो, काजू डाल दो, हरी इलायची डाल दो, चीज़ मुगलई बन जाती है। अगली बारी दाल भी अच्छी छमा पा देंगे, दाल भी मुगलई हो जाएगी। यही है वो अभी कौरमा बनाया था, उस पर ऊपर 3 बादाम रखे गए थे, मुगलई कौरमा। कौन लोकी होता वही है, 3 बादाम और थोड़ी सी काजू की पेस्ट ऐड करेंगे इसमें भी। नहीं, इसको मज़ीद पकाएंगे थोड़ी देर। अम्मी मतंजन की रेसिपी नेक्स्ट वीक हो जाए फिर मतंजन इंशाल्लाह ताला। उसमें ज़मीनों के बड़े चक्कर लग रहे थे अभी, इसीलिए माशाल्लाह रंग भी जो है सड़बल गया। तो बनाते हैं रेसिपीज इंशाल्लाह। हुंजा ट्रिप हमने आगे इसीलिए किया हुआ है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा रिस्की था। हालांकि हमने अपनी सारी बुकिंग कैंसिल की, अब हम दोबारा करेंगे जो ही मौसम अल्लाह खैर करे बेहतर होता है इंशाल्लाह तो करेंगे। और वो बड़ा मज़े का ट्रिप होने वाला है। जो हमने वहाँ चीज़ें अरेंज की हुई थी आपके लिए, जो पॉइंट्स अरेंज किए हुए थे, जो खाने थे बहुत डिफरेंट थे बाकी जितना भी आपने देखा है अभी तक, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको वो भी दिखाएंगे। वहाँ पर शादी भी थी ना किसी? शादी नहीं, शादी आप शायद जाएंगे तो अब होगी शायद, तो शादी हमजा की शादी भी आपको शायद हम दिखाएँ इंशाल्लाह ताला। बाकी अब जब प्लान बनता है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, लैंड स्लाइडिंग खतरा काफ़ी था, बहुत था, तो इसीलिए फिर घर वालों ने भी रोकी रखा और नहीं गए, और वो काम भी एक पड़ गया फिर फार्म पे, तो अच्छा है नहीं गए। तो अभी इंशाल्लाह ताला जाएंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल, थोड़ी हल्दी ऐड कर दो, बिल्कुल मामूली सी। अच्छा, क्वार्टर टीस्पून टाइप, थोड़ी और थोड़ी, बस क्वार्टर टीस्पून थोड़ी होती है रंग के लिए, यानी क्वार्टर टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। कलर के लिए हल्का फुल्का सा थोड़ा सा कर देते हैं, ऑयल पे ही आना है इसका कलर। हाँ मुर्गी पे तो नहीं आना, जितनी डली है। मसाला अच्छा बन गया माशाल्लाह। ये पानी में ही है, दही के पानी में ही गलेगी, टमाटर तो इसमें जाना नहीं है और मज़ीद भी दही नहीं जाएगा, क्रीम ऐड करेंगे वो भी आपको बताते हैं। मेरे ख्याल से अम्मी इस स्टेज पे हम पेस्ट ऐड कर देंगे। हाँ। ये कितनी पेस्ट ऐड करेंगे जी? ये सारी सारी। हाँ ठीक है, सारी पेस्ट में दोबारा आपको बता देते हैं, पहले भी हमने बताया 10 बादाम है, 10 काजू और 3 हरी मिर्चें हैं, उसकी ये पेस्ट हमने बनाई है पानी डाल के। हाँ पानी ऑब्वियसली थोड़ा सा डाल के। ये चली गई थी पेस्ट, इसमें काजू की, काजू बादाम और पानी से थोड़ा सा मिक्स करके इसको पेस्ट बना दी। ये दानेदार ही होगा मी, ये भी है ना, जिसमें वो दानेदार कोरमे की ग्रेवी सी बनती है। हाँ ऐसी रस्मी सी इसकी होगी।
चार से पाँच मिनट इसको मज़ीद पकाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट चीज़ हम क्या ऐड करेंगे इसमें। अम्मी इस तरह से ना यूँ आके इस तरह चम्मच नेक्स्ट टाइम, ठीक है? उसके बाद ऐसे दो दफ़ा, ये तरीका है, ऐसे फिर ये ऐसे। चलिए बताएं क्या ऐड करना है। हो गया ऐसे, अब तरीका तो है। हाँ क्रीम में हम बताते हैं, क्रीम डालनी है बस, इसमें क्या मुश्किल है। अच्छा जी ये ऐसे डाल दो, चम्मच से ना डालो। अभी वो उतारने के लिए डाल रहा हूँ, वो बाद में उतारी। ये हाफ कप क्रीम है यूं? हाँ ये हाफ कप क्रीम, नहीं नहीं वो मैं जरा भी सामने खड़ा ना तो उसके लिए जरा ना वो जरा बेहतरीन सी शॉट बन रही। ये हाफ कप क्रीम ऐड कर देंगे जी। ओए होए अब इसको साफ कर देते हैं इस तरह। स्पैचुला से कर दो, स्पैचुला इसमें नहीं जाना मुझे, वो है उधर रखिएगा, ये उधर रखिएगा अम्मी। हाँ थोड़ा सा ये वाला भी आ जाओ, आप काम करें ताकि मिक्स मैं करके दिखाता हूँ उन्हें। ठहर जा, तनू बड़ी काली। नहीं काली क्या है मुझे? काली तो, काली तो फार्म फार्म पे है अभी। काली बेचारा तो फार्म पे है। बेहतरीन सी जी इसकी ग्रेवी बन गई है क्रीम ऐड करने के बाद। वाह जी वाह माशाल्लाह। अब अमा इसको कुछ देर पकाएंगे मज़ीद? अभी पकाओ पकाओ। तो चार पाँच मिनट इसे मज़ीद पकाते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह ताला। नहीं दो मिनट सिर्फ हमने मज़ीद इसे पकाया, अब हम इसे हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसमें। और ये धनिया, और ये धनिया। अम्मी स्पीड हल्की, वो बेचारा बहुत इंस्टा के लिए भी बना रहा है। और काली मेनू है और स्पीड अम्मी की ज़रा चेक करो। हाँ अम्मी जी धनिया पाओ। वेरी गुड, बस बस बहुत है बहुत है बहुत है। धनिया गोश्त थोड़ी है अभी। ले जी भाई जान। ओए होए 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 क्या रंग आया भाई जान इसके ऊपर। भावें तुम चावल नाल खाओ जिन्हों कहते चौल चौल, तो भावें फुलकिया नाल खाओ। बेहतरीन हो गया जनाब। भैया ये रेडी है, ऑयल इसका सेपरेट पहले ही हो गया हुआ है। दिस इज ऑलमोस्ट डन। अब हम आपसे मुलाकात करते हैं उस तरफ काउंटर के, खाते हैं और आपको बताते हैं खा के कैसा बनाइए, है ना? हाँ जी मेहर भैया, एक सेकंड पास ही रखे, पास ही रखे, चेक करवा दे जरा ना। बेहतरीन। नहीं जी रेडी हो गया अम्मी, आप चखेंगी? नहीं नहीं चख, नहीं नहीं मैं चख लूँ, मैं तो चख लूँ। हाँ मैं ले, मैं देखिए यार इधर आओ मेरे पास लेगा जरा, या देखिएगा टेंडरनेस देखिएगा जरा। ओए होए होए अम्मी ये बात नहीं नहीं जा, तू आप ही खा, सही बनी है। क्या बात है, शॉर्ट गंदी हो गई लेकिन मज़ा आ गया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। मैं जा रहा हूँ खाना खाने, बंद करो। अल्लाह हाफिज़ जी। मैं तो क्या ही, कोई नहीं, हो गया हो गया।